फिलहाल की जन आशीर्वाद यात्रा भिवानी जिले में पहुंची है, जहां आपको बता दें कि भवानी खेड़ा में यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में समान विकास किए हैं और सीएम ने साथ ही कहा कि वो यात्रा के जरिए अगले 5 सालों का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आए हैं। सीएम मनोहर लाल ने महम विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस और मिलों ने जमकर लूट मचाई है। सीएम ने साथ ही कहा कि इस लूट खसोट का सबसे ज्यादा असर प्रदेश के गरीब परिवारों पर पड़ा है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि बीजेपी की सरकार प्रदेश को लुटेरों के चंगुल से बचाकर रहेगी। महम के विकास का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि नेशनल हाईवे पर बाईपास बनाया गया है। रोहतक महम हांसी रेल लाइन बिछाने के लिए अब बीजेपी की सरकार ने पैसा दिया है और जल्द ही ये रेल लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। इस रेल लाइन पर फास्ट ट्रैक रेलगाड़ियां चलेंगी, जिससे दिल्ली से हिसार का रास्ता 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। सीएम ने हिसार एयरपोर्ट से जल्द रेगुलर फ्लाइट शुरू करने की बात भी कही। और वही खाप परिवारों ने इनेलो और जेजेपी को एक होने की पहल की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि अजय सिंह और अभय चौटाला के बीच इतनी खटास आ चुकी है कि वो राजनीतिक तौर पर एक नहीं हो सकते, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे। बराला ने कहा कि किसी का परिवार टूटना अच्छा नहीं होता, अगर सामाजिक तौर पर ये परिवार इकट्ठा हो जाए तो ये अच्छी बात होगी। जहां तक खाप पंचायतों के महागठबंधन के बारे में चर्चा करने की बात है, तो बीजेपी की आज की स्थिति को देखते हुए कोई भी गठबंधन बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी खाप पंचायतें उनसे मिली होंगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और ये चौटाला परिवार का अंदरूनी मामला है, वो इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, लेकिन लगता ऐसा है कि जितना आगे वो लोग बढ़ चुके हैं, जितना खटास उन परिवारों के अंदर आ चुका है, उनका मिलन मुझे नहीं लगता संभव होगा नहीं होगा। राजनीतिक मिलन तो संभव लगता नहीं है, हाँ, लेकिन कोई परिवार अगर इकट्ठा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। हरियाणा के अंदर पारिवारिक इकाई का बड़ा एक अपना महत्व रहता है। और पलवल से खबर का रुख करेंगे। कैंप थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाना प्रभारी सविता रानी ने बताया कि 15 साल की नाबालिग लड़की 31 अगस्त को दोपहर को घर में से निकली थी और उसके बाद माँ बाप बाहर गए हुए थे। इसी दौरान सतुआगढ़ी होटल निवासी शिव सिंह ने पीड़िता को धोखे से अपने घर बुलाया और अंदर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद माँ बाप के घर आने पर पीड़िता ने आपबीती बयान की। और बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे स्थित कैली गांव के पुल पर अचानक से एक कार में आग लग गई। ये कार बल्लभगढ़ से पलवल की ओर जा रही थी। इसी दौरान जब कार पुल के बीच पहुंची तो अचानक आग की भेंट चढ़ गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कार चालक मौका पाकर वहां से भाग निकला। वहीं हादसे के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों का जो बात बात पर स्कूलों में ताला जड़ने पर अमादा रहते हैं, उनके लिए समाधान का तरीका है बस स्कूल पर ताला लगाना। नरवाना, उकलाना और गन्नौर में भी ग्रामीणों ने स्कूली समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल पर ताला जड़ दिया था। लड़कियों साथ कोई गलत व्यवहार होता है ना, तो ये जो अनुशासन है प्रशासन, ना तो वो जिम्मेवार है, ना ही कोई इसकी सरकार जिम्मेवार है। हमें ये हमारी मांग है, हमारा स्कूल मिडिल तक किया जाए। हमें ये हमारी मांग है, हमने ताला इसलिए लगाया क्योंकि हमारे बहुत हमें स्ट्रगल किया है। कुछ यही परिस्थितियां सामने आई रानिया से 12 किलोमीटर दूर मौजूद थेड़ी मोहर सिंह स्कूल से, जहां स्कूल को अपग्रेड न किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए और स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए और स्कूल को अपग्रेड कराने की मांग करने लगे।
हमारी यही मांग है, जब तक मैं देखता हूँ यही पाँचवीं तक ही स्कूल है, इसमें पहली बार कई बार भी गांव वालों ने मांगे रखी हैं अपग्रेड स्कूल के लिए, ताला भी लगाया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। अब ये सभी गांव मिलकर ये कह रहे हैं कि अब तालाबंदी की है और हमारा स्कूल अपग्रेड किया जाए जो कि मिडिल क्लास तक। स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ने की खबर जब प्रशासन को लगी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। आज से 1956-57 में ये स्कूल बना था, आज तक ये पांचवीं तक चला आ रहा है। हमारी इसकी मांग है अपग्रेड करने की, जो कि हमारी गांव की लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। जब रानिया जाती है 12-13 किलोमीटर है जी, नहर से लेकर 5 किलोमीटर आगे पड़ता स्कूल जी, सारा बाजार अड्डा सो भी है पार करके जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्कूल नहीं होने के चलते गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस बारे में प्रशासन को कई बार बताया जा चुका है लेकिन अधिकारियों ने उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये 1956-57 पर बना था लेकिन प्रशासन और डिपार्टमेंट के जरिए हमने बहुत एप्लीकेशन दी, मांगे डाली, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, जो कि हमारी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या रेशियो ज़्यादा है, यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है हमारा स्कूल, लेकिन हमें हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अगर रास्ते में कुछ लड़कियों के साथ कोई गलत व्यवहार होता है, ना तो ये जो अनुशासन है प्रशासन, ना तो वो जिम्मेवार है, ना ही कोई इसकी सरकार जिम्मेवार है। हमें ये हमारी मांग है हमारा स्कूल मिडिल तक किया जाए, हमें ये हमारी मांग है। हमने ताला इसलिए लगाया क्योंकि हमारे बहुत हमें स्ट्रगल किया है। स्कूल में बार बार ताला लगाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या ग्रामीणों के पास समस्या के समाधान के लिए एक ही उपाय बचा है? क्या ग्रामीणों ने कभी सोचा है कि बार बार स्कूल में तालाबंदी करने से छात्रों की शिक्षा किस तरह और कितनी प्रभावित होती है? इंडिया न्यूज प्रदेश के लोगों से अपील करता है कि अगली बार ग्रामीण और छात्र स्कूल में तालाबंदी करने से पहले इस बारे में कुछ मिनट जरूर सोचें। रानिया से संजीव सैनी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात करेंगे रोहतक की, जहां सांपला थाना क्षेत्र में 31 अगस्त को हुई 7 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पैसा ले जा रहे युवक के दोस्त अनुज ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 3 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक चारों आरोपी एकेडमी में कोचिंग लेते हैं और ऐशो आराम के लिए लूट की योजना बनाई जाती थी। बता दें कि पीड़ित प्रवीण अपने रिश्तेदार को 7 लाख रुपए देने के लिए जा रहा था और उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस्माइला गांव के पास गन पॉइंट पर स्कूटी समेत 7 लाख रुपए लूट लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।